मैं अल्लाह से डरती हूँ, ये बुराई नहीं कर सकती, मेरे रब को ये अदा इतनी पसंद है, इतनी पसंद है। अल्लाह खुश होके कहता है, मेरे बंदी तुझसे राजी होके मेरे अर्श का साया तुझे अता करूंगा। अल्लाह के नबी बयान फरमाते, खयामत के मैदान में कोई साया नहीं होगा सिवाय अर्श इलाही के, अल्लाह के अर्श के साये के सिवा कोई साया नहीं होगा। इन साये में सात खुश नसीबों को मेरा मालिकुल मुल्क जगा देगा। उन सात खुश नसीबों में एक वो भी होगा, वह रजुलुन ज़ाता मनसबियों व जमाल, एक ऐसा आदमी जो अपनी किसी खूबसूरत औरत को जिना की दावत देता है, लेकिन वह अल्लाह की बंदी अल्लाह से डरते हुए ये कहती है, इन्नी अखाफुल्लाह, मैं अल्लाह से डरती हूं, ये बुराई नहीं कर सकती, हाय हाय, मेरे रब को यह अदा इतनी पसंद है, इतनी पसंद है। अल्लाह खुश होके कहता है, मेरे बंदी तुझसे राजी होके मेरे अर्श का साया तुझे अता करूंगा। अगर कोई लड़की किसी लड़के को जिना की दावत दे, आ जाइए बुराई कर लेंगे, कोई देखने वाला नहीं, लेकिन वो लड़का अल्लाह से डरते हुए ये कह दे, इन्नी अखाफुल्लाह, मैं मेरे अल्लाह से डरता हूं, ये बुराई मैं नहीं कर सकता। अल्लाहु अकबर, ये अदा, जवानी की ये अदा, तन्हाई में जिना करने का मौका पाने के बावजूद रब के खौफ से पीछे हटने की ये अदा मेरे अल्लाह को इतनी पसंद है, इतनी पसंद है। मेरा मालिकुल मुल्क तुम्हें साए इलाही, अर्शे इलाही का साया तुम्हें देने का वादा करता है। सात खुश नसीबों में एक वो भी आदमी है जो अल्लाह से डरते हुए बुराई तर्क कर देता है।